नमस्कार ये कबड्डी अड्डा मैं हूँ कोच जगदीश कुंबले मैं कबड्डी का कुछ इम्पोर्टेंट स्किल बताने जा रहा हूँ टाई होल्ड ये अच्छा है डिफेंडर के लिए इजी पॉइंट है एक कवर है कॉर्नर है किसी भी आदमी ये टाई होल्ड कर सकते हैं सबसे ज़्यादा ये होता है कवर और कॉर्नर का जगह पे राइडर एक एरिया से दूसरे एरिया में रनिंग करके एंड टच करता है उस टाइम ये होल्ड हो जाता है टाई होल्ड और इसमें डिफेंडर पूरा अपना झुक के टाई में बढ़ जाता है और अपना बॉडी को पूरा डिफेंस का तरफ लेके जाके राइडर का फिनिश करता है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि टाई होल्ड में दो तरीका है एक तो सिंगल टाई होल्ड दूसरा डबल टाई होल्ड लेकिन ये सब दोनों अलग अलग एंगल पे मिलता है डिफेंडर को इसके अलावा एक और है बोलते हैं उल्टा टाई लेना जो कॉर्नर लेफ्ट अगर लेफ्ट कॉर्नर है राइट राइडर है उसको फुटवर्क में अपना लेफ्ट डिफेंडर अपना राइट लेग को आगे लेके एकदम सरप्राइज कैच करता है वो उल्टा टाई बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो वो एक बहुत बढ़िया कैच है इसके अलावा सेम सेकेंड इन हम अगर लेफ्ट से राइड कर रहा है तो हम जाके लेफ्ट कॉर्नर के पास रीच मारने के लिए जाते हैं तो उसी टाइम पे हो सकता है हम सेकेंड इन का आसपास है तो सेकेंड इन अपना जगह से थाई को चेंज करके खुद का थाई को सामने रख के राइडर को कैच करता है वो उल्टा थाई मतलब उधर तो उसको अजम बोलते हैं काफ़ी चीज़ें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन उल्टा थाई ये जो कॉर्नर करता है वो भी एक थाई होल्ड है और ये दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं टाई होल्ड ज़्यादा तरफ कवर कॉर्नर और सेकेंड मैन मतलब जो कॉर्नर का इन है उसमें ज़्यादा तरफ होता है लेकिन ऐसे कुछ नहीं है लेकिन हर डिफेंडर टाई होल्ड कर सकता है लेकिन ज़्यादा तरफ जहाँ से होता है कॉर्नर या उसका सेकेंड मैन नहीं तो कवर नहीं तो कॉर्नर बहुत तो उसमें वेरिएशन बहुत है लेकिन अभी सीधा सामने वाला टाई होल्ड दिखाएंगे ठीक है कवर पे टाई होल्ड कैसे होता है वंजी फुटवर्क रेड फुटवर्क रेड नैंक रीच मल हाँ फर्स्ट डोज सेकेंड रेडी ये ठीक है ये आती दराना चाहिए